मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाता हूँ, उसमें टारगेट बैच बना रखा है, मात्र 100 विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। ज्यादा विद्यार्थी मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन सिलेक्शन ज्यादा दूं। सर ये मेरा सबसे बड़े उद्देश्य है। आरएस के मेरे पास 50 सीट है, लिमिटेड सीट है। मेरे पास बीएससी की 50 सीट है, और रेलवे की जो लड़के तैयारी करते हैं, एसएससी की जो तैयारी करते हैं, उनकी 200 सीट है। अगर हमारी सीट, जैसे मैं गाँव दिल्ली पुलिस में 70 एडमिशन हमारे पास अभी है, 70 के करीब, तो 30 स्टूडेंट और बचे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी यहाँ डायरेक्ट जुड़ना चाहता है हमारे से, तो हम लोग अभी तो हमारा एक ऑफर भी चल रहा है सर। अगर कोई आपका वो सबसे बड़ा एक खुश खबरी दे दूंगा आपको, क्योंकि हमें आज जो हमारे महाराज जी का आगमन हुआ है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 20% की जो छूट हम लोग दिल्ली पुलिस वाले को दे रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 500-600 बच्चे बैठते थे, लेकिन हम पीछे नंबर आता था, समझ में नहीं आता, और कोई टीचर को हम लिख के देते थे तो वो दूसरे दिन जवाब आता था, और यहाँ पे है ना वो 2 मिनट का जवाब मिल जाता है। एक तो यहाँ की फीस भी नॉर्मल है, और अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स हैं, और मुझे लगता है शायद यहाँ पे आके मेरा सपना भी पूरा हो सकता है। पढ़ते हैं, खासतौर से बातचीत करते हैं वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कंपटीशन का दौर है वो लगातार बढ़ जा रहा है, इसमें कोचिंग के लिए अच्छी सुविधाएं है वो मिलना बड़ी बात हो जाती है। खासतौर से अगर बातचीत करें नवलगढ़ विधानसभा की, तो नवलगढ़ विधानसभा में विजिट करते समय हमें एक्से आज मुकुंदगढ़ क्षेत्र के अंदर एक कैंपस में पहुंचे, जिन्हें न्यू राज कोचिंग के नाम से पढ़ाई क्षेत्र में है वो एक नाम है, वो कमाया आज इसी संचालित कर रहे युवराज कोचिंग को। मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी पहले तो आपका स्वागत है नवलगढ़ एक्सप्रेस पे। सबसे पहले तो मैं नवलगढ़ एक्सप्रेस के सभी जो देख रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बताइए हमारे देश को, क्योंकि कैंपस की विजिट कर रहे थे, बच्चों से बातचीत करे तो उन्होंने बताया कि सर हमने बड़ी बड़ी संस्थाओं को सीखकर, जयपुर जैसी संस्थाओं को छोड़कर आज युवराज में एडमिशन लिया, तो क्या ऐसी फैसिलिटी आपने ग्रामीण स्तर पर प्रोवाइड करवा दी जिसके लिए बड़े स्तर की जो कोचिंग होते हैं उनको छोड़कर बच्चे आज यहाँ प्रवेश ले रहे हैं अपने पास? सर मैं पहले जयपुर था, और जयपुर में भी ऐसी कोचिंग के में था जहाँ वो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित थी। उसके बाद में जब मैंने सोचा कि अपने गांव में जाएं और वहां एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में बैठे विद्यार्थी हैं, जो मध्यम वर्ग से परिवार से आते विद्यार्थी हैं, उनके लिए ऐसा सिस्टम तैयार करें जो जयपुर में है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, सबसे पहले तो शिक्षकों की टीम होती है, मेरे पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है। दूसरे हमारी जो क्लासरूम है, जैसे जयपुर में जो क्लासरूम होते हैं, डिजिटल बोर्ड, एसी, इतनी सारी सुख सुविधाएं हम लोग विद्यार्थी को देते हैं कि उसको वो आज जब भी नवराज में आज ये स्टैंड बढ़ी है, इसके पीछे जो कारण है वो हमारी शिक्षण शैली है। और हम ये भी विश्वास दिलाते हैं जिस भी बच्चे ने एडमिशन लिया है उसको गवर्नमेंट नौकरी दिलाने का, हम ये नहीं करते कि वो खुद भी मेहनत करेगा, और हमारी मेहनत से और अपने माता पिता के शक्ति से जरूर सरकारी सेवा में होगा। सर मैं कुछ विद्यार्थी से बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया कि मैंने सर जयपुर और सीकर जैसी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाई की है, उनकी फीस ज्यादा है, 600 की भीड़ में मुझे बिठा दिया गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपके पास लिमिटेड सीट है, अब बड़ी बड़ी सुविधाएं जो यूं कही डिजिटल बोर्ड है, ऐसी जैसी सुविधाएं लगातार एक अच्छे टीम के साथ आप पढ़ा रहे हैं, क्या भविष्य में अच्छी मुकुंदगढ़ क्षेत्र है, खासतौर से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत कही तो विद्यार्थी लगातार आपका जुड़ा हुआ है वो उभरता है? बहुत जल्द ही ये युवराज कोचिंग को शेखावाटी विश्वविद्यालय में, ये आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे मुकुंदगढ़ मंडी में एक दिन युवराज कोचिंग का डंका गूंजेगा। हम लोग ये जो सुविधाएं अवेलेबल करवा रहे हैं सर, ये हमारी मेहनत है। जैसे हम ये चाहते हैं कि मैं खुद भी एक मिडिल प्रयास से आता हूँ, बिल्कुल सर, मैं एकदम मतलब मेरे पिताजी थे वो खेत में काम करते हैं, इसलिए मैं विद्यार्थी की फीस को भी एकदम क्राइटेरिया रखता हूँ, न्यूनतम रखता हूँ, और अच्छे काम करने के लिए विद्यार्थी को इस प्रकार से मैंने कर दिया, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया कि आप लोग अपने मोबाइल से ही जैसे वो टेस्ट देता है उसका क्या रिजल्ट रहता है वो माता पिता को पता चलेगा, और बहुत सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के आज युवराज कोचिंग एक अच्छे प्लेटफॉर्म की हो जा रहा है। वर्तमान समय में कंपटीशन का जोर बढ़ जाता है, इसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे निकल के आती हैं जो ज्यादातर प्रचार प्रसार में विशेष ध्यान देती हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाती है, लेकिन आप उनसे प्रचार प्रसार के साधनों से दूर रहे, साथ से बातचीत से सीधी कनेक्टिविटी है वो विद्यार्थियों जो पढ़ने के इच्छुक है उन्हीं से बनाई आपने। मेरा सर जो मेन उद्देश्य यही है कि मेरी जो ताकत है बनाने वाले जो लोग हैं वो विद्यार्थी होते हैं, और हम लोग विद्यार्थी से कनेक्ट रहते हैं, हमारा सीधा संबंध होता है विद्यार्थी से और उसके माता पिता से। हम लोग ये चाहते हैं उसको, जैसे मेरे पास में पहले आया था मात्र 5 स्टूडेंट थे सर, आज अपने पास न्यू राज कोचिंग मुझे गर्व से कहता हूँ कि मात्र हम लोगों ने 2 महीने में 200 के करीब स्टूडेंट कर लिए, अलग अलग बैच बना रखे हैं, दिल्ली पुलिस का अलग बैच बना रखा है, एसएससी का अलग बना रखा है, बीएसटी का अलग, और आप अगर हमारी आरएस की फीस सुनोगे तो स्तंभ रह जाओगे। जैसे हम लोगों ने मात्र आरएस की फीस 25,000 रुपए रखी, इससे न्यूनतम क्या रखे सर? सर वर्तमान समय की एक चीज खास बातचीत करें तो 12वीं का रिजल्ट हाल ही में दिनों में आया है, तो 12वीं के विद्यार्थी जो निकल रहे हैं इस कंपटीशन के दौर में एक अच्छी कोचिंग संस्थाएं की तलाश करें, खासतौर से अगर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की बातचीत करें वो कहीं दूर जाकर पढ़ना नहीं
पसंद करते हैं, खासतौर से अगर लड़कियों की बातचीत करें। आपने हम कुछ लड़कियों से बातचीत करा, सर हमें वो फैसिलिटी यहीं मिल गई जो हम सोच रहे थे। तो खासतौर से अगर बातचीत करें तो बारहवीं से जो बच्चे यहाँ निकल रहे हैं अभी, तो वर्तमान समय आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? देखो मैंने बारहवीं के जो पास आउट विद्यार्थी उनके लिए एक बात कर देता हूँ, जिनके भी 95% से अंक ऊपर है उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा न्यूराज कोचिंग, एक नंबर बात। दूसरी बात है मैं उनके लिए आरएस फाउंडेशन का कोर्स लेके आया हूँ, बहुत शानदार। वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे, चाहे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरएस वाले बैच में उसको बिठाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से उसको रोल मोटिवेट करता हूँ। और उनके माता पिता से भी यही कहता हूँ कि 12th पास आउट जो विद्यार्थी है तो हमारे पास सर कॉलेज है, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और जो एससी एसटी में जो भी स्कॉलरशिप आती है हम उनको वापस दिलवा देते हैं। दूसरी उसी 25,000 में ये सारी सुविधाएं उसी 25,000 रुपए में मिल रही हैं। उसको मॉडल टेस्ट, पेपर, नोट, सारी कोचिंग, टी शर्ट, आई कार्ड सब कुछ फ्री है उसके लिए। संस्थाओं में कंपटीशन बढ़ता रहता है सर, कुछ वैकेंसी आती है, कभी कभी वैकेंसियां नहीं भी आती। ये तो देखो सर, ये तो राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार पे टिका टिप्पणी इतना ही जरूर करना चाहूंगा कि एक बेरोजगार, देखो माता पिता है सबकी एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाए, इसलिए सरकार को भी ये मद्देनजर रखना चाहिए कि समय समय पर वैकेंसी निकालते रहे ताकि जो युवा वर्ग तैयारी करता है, जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाए। अगर जैसे मान लो अभी रीट की जो नई वैकेंसी, ये विद्यापति क्या है, इनका क्या सिस्टम करे, अभी मान लो रीट की ऑफिशियली घोषणा हो गए तो लाखों विद्यार्थियों रीट की तैयारी में जुड़ जाएंगे। तो विद्यार्थी अगर यहाँ नवलगढ़ विधानसभा से खासतौर से बात करिए, नवलगढ़ मुकुंदगढ़ या सीकर से आपको लगते जो भी एरिया मुकुंदगढ़ से आते हैं वो सीधे आपके मेरे वीडियो के माध्यम से अगर जुड़ना चाहें आप, तो कहाँ आपकी कोचिंग है, किस नाम से उनको भी हमारे जो आप लोग जुड़ना चाहते हैं, न्यू राज कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, न्यू राज कोचिंग इंस्टाग्राम आईडी है, न्यू राज कोचिंग का फेसबुक पेज है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं। उसके बाद में मेरे ऑफिशियल नंबर है 8058022029, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और ताराचंद जी के माध्यम से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ यार, मेरे पास सर हॉस्टल की बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत अद्भुत शानदार व्यवस्था है, घर जैसा वातावरण देता हूँ। सर एक चीज और बता दीजिए हमारे जो भी दर्शक हैं उनको कि किस किस चीज की तैयारी आप करवा रहे हैं, क्योंकि तो फिलहाल चर्चा का विषय मुकुंदगढ़ के अंदर न्यूराज बनी हुई है। देखो मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाता हूँ, उसमें टारगेट बैच बना रखा है, मात्र 100 विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, ज्यादा विद्यार्थी मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम बच्चों को पढ़ाए लेकिन सिलेक्शन ज्यादा दूं। सर ये मेरा सबसे बड़े उद्देश्य है, आरएस के मेरे पास 50 सीट है, लिमिटेड सीट है, मेरे पास बीएससी की 50 सीट है और रेलवे की जो लड़के तैयारी करते हैं, एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनकी 200 सीट है। अगर हमारे सीट जैसे मैं कहूँ दिल्ली पुलिस में 70 एडमिशन हमारे पास अभी है 70 के करीब, तो 30 स्टूडेंट और बचे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी यहाँ डायरेक्ट जुड़ना चाहता है हमारे से तो हम लोग, अभी तो हमारा एक ऑफर भी चल रहा है सर, अगर कोई आपका वो सबसे बड़ा एक खुश खबरें दे दूंगा आपको, क्योंकि हमें आज ही जो हमारे महाराज जी का आगमन हुआ है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 20% की जो छूट हम लोग दिल्ली पुलिस वाले को दे रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात दे रहा हूँ। वर्तमान समय में अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ न्यूराज कोचिंग से जुड़ सकते हैं, लगातार हम स्कूल कोचिंग का विजिट है वो करते रहेंगे। आज हमने मुकुंदगढ़ क्षेत्र के अंदर एक कोचिंग न्यूराज कोचिंग का विजिट किया, मुकेश सर हमारे साथ मौजूद थे, कुछ विद्यार्थियों से हमने बातचीत करी, आखिरकार उन्हें किस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ न्यूराज कोचिंग के द्वारा दी गई जिसमें वो बड़ी संस्थाओं को छोड़कर यहाँ पढ़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो वर्तमान समय में एक अच्छी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ने बताया कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस न्यूराज कोचिंग से अभी से जुड़ गए, मैं आपको न्यूराज कोचिंग का एड्रेस और नंबर है वो मेंशन है वो कर दूंगा, और आप नीचे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो नंबर है वो कहाँ पे ये कोचिंग है वो आप दिखाई दे सकते हैं, जरूर आप एक बार इसकी कोचिंग का डेमो जरूर है वो लीजिए। समय एक ऐसा समय है जब कंपटीशन का दौर लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इसी क्षेत्र में मुकुंदगढ़ मंडी में हम लोग पहुंचे हैं, एक अच्छा कैंपस की हम लोग तलाश कर रहे हैं, तो आज हमें मुकुंदगढ़ मंडी के अंदर एक अच्छा कैंपस है वो मिला। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस, फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ विधानसभा के मुकुंदगढ़ क्षेत्र में जहाँ एक अच्छी कोचिंग है उसमें हम पहुंचे हैं, मेरे साथ इसी एक कोचिंग के विद्यार्थी मौजूद हैं। सर्वप्रथम तो उसी विद्यार्थी से आज बात की शुरुआत करते हैं, आखिरकार इस कोचिंग की क्या फैसिलिटी है जो वर्तमान समय में मुकुंदगढ़ क्षेत्र में अच्छा कैंपस वो लगातार बनता जा रहा है, क्या नाम है आपका, हमारे दर्शकों के साथ अपना शुरू जा सकता है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये बड़ी मायने रखता है, तो क्या नाम है आपका और कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मेरा नाम विकास कुमार है, गाँव का शेरू है। किस चीज की तैयारी है? दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, और पहले मैंने सीकर की और नवलगढ़ की। क्यों सीकर क्यों छोड़ा? क्योंकि आपने सीकर काफी लंबे टाइम से मेरे हिसाब से तैयारी की होगी। हाँ सर, लेकिन वो फैसिलिटी वहाँ पे सीकर में भी नहीं था, यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, डिजिटल बोर्ड पे, और वहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है।
और नियमित क्लास या टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट लगता है सर यहाँ पे, और दिल्ली पुलिस की एकदम अच्छी तैयारी हो रही है। पहली बार जब यहाँ अपनी न्यूराज कोचिंग का विजिट कर रहे थे आप डेमो के लिए, तो कोई ऐसी फैसिलिटीज यहाँ कोचिंग की लगी जिससे आप इतने प्रभावित हुए कि सीकर जैसी सुविधाओं को छोड़कर आपने मुकुंदगढ़ मंडी के अंदर जो न्यूराज कोचिंग है उसमें एडमिशन है वो लिया? सर ये तो यहाँ पे फीस बहुत नॉर्मल है, सीकर में तो बहुत ज्यादा फीस है, हम जैसे गरीब लोग है, गरीब कृषि आते हैं, तो ये तो नॉर्मल फीस है वहाँ पे। और कोचिंग के मान ये चीज देखने को लिए मिली है मेरे को कि टीचर है वो हर कोचिंग में 4 क्लास लगती है, तो न्यूराज कोचिंग में ना वो 6 क्लास लगती है लगातार, तो वो अच्छी तैयारी मिली है। एक तो क्यों कहे कि आप यहाँ कोचिंग में लगातार पढ़ रहे हैं, सीकर जैसी बड़ी संस्थाओं को छोड़ के आए, तो ऐसा यहाँ जो टीचर्स का माहौल है या जो कैंपस का माहौल है, यूँ कहे कि न्यूराज कोचिंग जो यहाँ स्थित है काफी कम समय हुआ है जब ये कोचिंग यहाँ अच्छी एक प्रोग्रेस कर रही है, तो किस रूप में देख रहे हैं और आपकी यहाँ कोचिंग की फैसिलिटी आपको किस प्रकार की लगती है? सर एजुकेशन स्टडी सबसे बड़ी चीज है, स्टडी यहाँ पे अच्छी है। तो कहें कि जो बड़ी कोचिंग होती है उनमें 500 विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं, शायद आप उनमें वो शामिल होंगे, बड़ी संस्था में आप पढ़ रहे हैं? बड़ी संस्था में तो यहाँ पे 500-600 बच्चे बैठते थे, लेकिन हम पीछे नंबर आता था समझ में नहीं आता, और कोई टीचर को हम लिख के देते थे तो वो दूसरे दिन जवाब आता था, और यहाँ पे है ना वो 2 मिनट के जवाब मिल जाता है, तो उनकी सोल्यूशन हो जाता है। किस प्रकार की न्यूराज कोचिंग है जो अपने आप में बेहतर कैंपस प्रोवाइड करवाती है, वहां से किस प्रकार का सीकर का माहौल, वो नवलगढ़ से जो विधानसभा से मुकुंदगढ़ क्षेत्र की न्यूराज है वो किस प्रकार का अलग माहौल है वो आपको लगा यहाँ का? सर यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी है ना वो कुछ सीख ही जाएगा, ये कन्फर्म है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, आज मेरे को पॉलिटिकल में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं, ऑल इंडिया की बिल्कुल कुछ, और भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी अपन बातचीत करते हैं, आखिरकार ये जो कैंपस है उन्हें किस प्रकार का कैंपस लगा और उस कैंपस की कौन सी ऐसी फैसिलिटी लगी जिसको चलते वो बड़ी संस्थाओं को छोड़कर आज यहाँ पढ़ने के लिए है और रुचि दिखा रहे हैं नौकरी करें, उसमें खास तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है, जब परिवार में एक बच्ची 12वीं से पास आउट निकलती है, एक अच्छे माता पिता होने के साथ एक बच्ची को आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों की तलाश करते हैं, यही मुकुंदगढ़ क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, न्यूराज कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो न्यूराज कोचिंग में अपना नाम है वो जरूर मेरे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, कोचिंग की क्या फैसिलिटी आपको अच्छी लगी, पहले आप कहाँ पढ़ रहे थे कुछ बताइए अपने दर्शकों को हमारे को। मेरा नाम सानिया चौधरी है, मैं घोड़ीवारा से हूँ, और इस कोचिंग में मतलब बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई है, एजुकेशन की दृष्टि से ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं SSC की तैयारी कर रही हूँ अब। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो SSC या बड़ी RS जैसी एग्जामों की तैयारी के लिए कोटा या सीकर जैसे क्षेत्रों को देखते हैं, लेकिन आपने उन क्षेत्रों को छोड़ते हुए अपने ही स्तर के मुकुंदगढ़ मंडी के अंदर जो न्यूराज कोचिंग है उसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या कारण रहा मैन? एक तो यहाँ की फीस भी नॉर्मल है और अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स हैं, और मुझे लगता है शायद यहाँ पे आके मेरा सपना भी पूरा हो सकता है। क्या सपना? भविष्य में आपने सपना देखा है बनने का? SSC की तैयारी करती हूँ मैं, तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिल रही है। खास तौर से जो पास आउट 12वीं के बच्चे जो यहाँ से अब निकल रहे हैं, हाल ही में एक रिजल्ट आया 12वीं का, सो बोर्ड के बच्चे के बेहतर रिजल्ट के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिविल सेवाओं में जाने के लिए, अन्य सेवाओं में जाने के लिए एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो जो बच्चे अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है, क्योंकि आप यहाँ मुकुंदगढ़ में रहते हुए एक न्यूराज कोचिंग में पढ़ाई है वो कर रहे हैं? तो मेरा यही सुझाव है कि मतलब इतने छोटे शहर में भी इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो वहाँ पे क्यों जाना, यहीं पे मतलब। अगर खास तौर से किसी टीचर को ये कहना चाहो कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो क्या कहोगे जो टीचर है, यहाँ का स्टाफ है न्यूराज कोचिंग का? स्टाफ भी एकदम अच्छा है, जो पढ़ाते हैं एकदम से अच्छा समझ में आता है और अच्छे से तैयारी भी करवाते हैं, और लगता भी यही है कि मतलब यहाँ से रिजल्ट भी अच्छा ही होगा इस कोचिंग का। बड़ी बड़ी कोचिंगों में जब लड़कियां जाती है तो उन्हें ये डर रहता है कि मैं कहाँ रहूंगी, ऐसा रहता है, अपने यहाँ ही रहते हुए पढ़ेगी, जो बारीक में क्षेत्रों में बड़ी क्षेत्रों में पढ़ रही है जो लड़कियाँ अपने गाँव के क्षेत्र के अच्छी स्कूलों कोचिंगों को छोड़कर, उनके लिए अब क्या संदेश उनका? मेरा तो संदेश यही है कि यही पे रहो, अच्छी सुविधा है वहाँ पे, मतलब मुश्किल भी होता है कहाँ पे रहें कहाँ नहीं, और लड़कियों के लिए तो खासकर यही जगह अच्छी है। तो यहाँ का जो आप कैंपस में पढ़ते हुए कैंपस का माहौल कैसा है जो अपने न्यूराज कोचिंग है उसका? एकदम बढ़िया, ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन अच्छा है। इसी श्रृंखला में SSC की तैयारी करने वाले अनिता हमारे साथ मौजूद है। अनिता, SSC कैंपस न्यूराज कोचिंग में पढ़ते हुए अपने भविष्य को एक अच्छी संभावना है वो तलाश रही है, अनिता क्या कहेंगे, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से अगर कोचिंग की बातचीत करें, मुकुंदगढ़ क्षेत्र के अंदर काफी नाम है वो न्यूराज कोचिंग लगातार बनाती जा रही है, क्यों कहेगी, क्या ऐसी सुविधा यहाँ आपको कोचिंग के अंदर मिल रही है जिसके चलते आज एक अच्छे माहौल के रूप में, अच्छे कैंपस के रूप में न्यूराज कोचिंग आगे निकल के आ रही है, क्या कहेंगे इस कैंपस को और खासतौर से जो यहाँ टीचर है उनको? सर मेरा नाम अनिता कुमावत है, मैं यही मुकुंदगढ़ से हूँ, और कोचिंग है वो बहुत बढ़िया है, टीचर्स है वो सारे फैमिली की तरह रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ना, सर पर्सनली प्रॉब्लम भी पूछते हैं कि क्या किसी बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, वो भी सब कुछ बढ़िया है।
तो किस तरह का माहौल है, जो अन्य विद्यार्थी आ रहे हैं, क्या क्लासें किस तरह लग पाती हैं, या टेस्ट सीरीज होती है बड़ी बड़ी स्कूलों में, कोचिंग में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, यूं कहें कि 500-600 की भीड़ बैठा कर वो पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट के जो सीमित सीट है उनमें आप रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। सर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनली कोई अगर डाउट पूछे तो वहीं पे सॉल्व कर देते हैं यार, बोर्ड्स वगैरह सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज है। बच्चे किसी एक विशेष की तैयारी है वो तो कर लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एक साथ कई विषयों की तैयारी करते हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ SSC में बहुत सी संभावनाएं ऐसी तरीके से राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में ऐसी फील्ड है जहाँ आप जा सकते हो, तो उनकी तैयारी भी यहाँ कम्पिटिशन की होती है। हाँ, यहाँ पे फाउंडेशन बच्चों का एकदम तैयार करवाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं बच्चों को। आपके जो भाई बहन वर्तमान समय में एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, खासतौर से नवलगढ़ विधानसभा में, नवलगढ़ विधानसभा की बात करें तो मुकुंदगढ़ क्षेत्र के लगभग विद्यार्थी जो या 12वीं से निकलने के बाद अपने भविष्य के लिए कोचिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए अपने कैंपस की ओर आए, अगर डेमो के रूप में वो देखना चाहे तो कैंपस को किस प्रकार देख सकते हैं? सर, पहली बात तो गांवों के बच्चों के लिए फीस की प्रॉब्लम आती है, फीस यहाँ पे एकदम कम से कम है, और हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है, पास में है तो वैसे अप डाउन कर सकते हैं, और तो टीचर सारे अच्छे हैं। क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इनके बारे में कुछ बताइए। टेस्ट सीरीज सप्ताह के अंदर होती है और क्लासेस 6 लगती है, 8 से और 3 बजे तक का टाइम है।